बच्चे हमारे समाज और घर की रोशनी है। वो हमारे राष्ट्र के भविष्य निर्माता भी है। 14 नवंबर को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस पर हम बहुत खुशी और उमंग के साथ बाल दिवस मनाते हैं। नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था। बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू पुकारते थे। वो बच्चों के अच्छे नागरिक और देशभक्त बनाने को प्रेरित करते थे। उनका मानना था कि बच्चे ही देश के भविष्य है। धन्यवाद। आदरणीय गुरुजनों और मेरे प्यारे मित्रों, सबको मेरा नमस्कार। आज 14 नवंबर है। 14 नवंबर का विशेषता क्या है? 14 नवंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिवस है। यह दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री है। उनका जन्म 14 नवंबर। नमस्कार, मेरा नाम महालक्ष्मी, कक्षा 5। मुश्किल है बचपन खो भुलाना। वो यारों की यारे में सब भूल जाना, और धंधे से घिल्ली को उठाना, वो होमवर्क से जी चुराना, और टीचर के पूछने पर बहाने बनाना। हमारे प्यारे चाचा जी का जन्मदिन। हमें मालूम है कि बालक ही हमारे असली संपत्ति है। उन्हीं पर हमारे देश का भविष्य निर्भर है। आज के बच्चे कल के नेता हैं, कल के नागरिक हैं। नेहरू जी के मानना है कि बच्चे की उचित रूप से पालन पोषण होना जरूरी है, तभी देश की उन्नति हो सकती है। नेहरू जी बच्चों की आंखों में भविष्य के भारत की तस्वीर देखते थे। बाल दिवस पर भाषण। आदरणीय गुरुजनों और मेरे प्यारे मित्रों, सबको नमस्कार। और 14 नवंबर है। 14 नवंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है। ये दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का प्रथम प्रधानमंत्री है। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में